हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी सी विन पे। दोस्तों आज 27 मार्च है, चलिए देखते हैं भास्कर नॉलेज क्विज द्वारा कौन कौन से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, RCB के कप्तान अब डू प्लेसिस हैं, विराट कोहली कितने साल बाद बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो 9 ईयर्स के बाद, ऑप्शन डी को लगाइए। एक्टर ऋषि कपूर का निधन कोरोना काल में हुआ था, उनकी आखिरी फिल्म का नाम क्या है? शर्मा जी नमकीन, ऑप्शन बी को लगाइए, ऑप्शन बी सही आंसर है। महिला वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना टूट गया है, भारत को किस टीम ने हराया? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने हराया, ऑप्शन ए को लगाइए। 94वें ऑस्कर अवार्ड में विदेशी फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कुंजांगल, ऑप्शन सी को लगाइए। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 5 PM को सऊदी प्रिंस से मिली रिस्ट वॉच को उनकी पत्नी ने बेच दिया है, उनका नाम क्या है? बुशरा बीबी, ऑप्शन सी। योगी कैबिनेट 2.0 में डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक ने किस सीट से चुनाव लड़ा था? लखनऊ कैंट, ऑप्शन डी को लगाइए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर कह चुके हैं कि बंगाल में कानून राज खत्म हो चुका है, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, बहुत महीनों सालों से बोल रहे हैं। अमेरिकी स्टार कायली जेनर सबसे कम उम्र की अरबपति हैं, उनकी कंपनी का क्या नाम है? कायली कॉस्मेटिक, आई थिंक 8D कायली कॉस्मेटिक को लगाइए। रूस ने युद्ध में परमाणु बम चलाने की धमकी दी है, परमाणु बम का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म फ्रेंचाइजी में हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का जिक्र है? हैरी पॉटर, ऑप्शन बी को लगाइए। और दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर सही है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।